इस समय 82.63% हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे पास हुए हैं, इसमें भी बालिकाएं 85% से ज़्यादा जो है नंबर लेके पास हुई हैं। इसमें जो फर्स्ट आई है वो मायापुर हरिद्वार की छात्रा कुमारी दिव्या राजपूत है, जिन्होंने कि 97% इंटरमीडिएट में नंबर पाए, तो मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। सेकंड में गोपेश्वर चमोली के अंशुल बहुगुणा हमारे सेकंड रहे हैं, जिन्होंने 96.10% नंबर पाए हैं। तीसरे स्थान पे जसपुर उधम सिंह नगर की छात्रा दृष्टि चौहान और मंडल सेरा बागेश्वर के छात्र सुमित सिंह मेहता थर्ड पे रहे हैं, इनके 96.60% रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इंटरमीडिएट में हमारे पूरे प्रदेश में रुद्रप्रयाग जिला फर्स्ट पे रहा है, वहाँ का टोटल परीक्षा परिणाम जो है 91.90 रहा है। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर 10 सालों की तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि इस बार सर्वाधिक बच्चे हमारे अच्छी नंबरों से पास हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को सरकार की ओर से बधाई दे रहा हूँ कि जिन्होंने कि कोविड के बाद भी अपने पढ़ाई की है, परीक्षाएं दी हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार उत्तराखंड सरकार का रहा है। उत्तराखंड में जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई, इसमें हाई स्कूल में टोटल जो परीक्षा फल रहा है हमारा वो 77.47 रहा है। इसमें छात्रों का जो है 71.12 रहा है परसेंट और छात्राओं का जो है 84.06 रहा है। और प्रदेश में हाई स्कूल में जो टॉपर रहे हैं वो मुकुल सिलसवाल रहे हैं और ये फौलदार इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चे हैं टीवी गढ़वाल के, और इन्होंने 99% इनके मार्क्स रहे। तो बहुत बड़ी बात है कि हाई स्कूल में 99% मार्क्स लाना, ये बड़ी बात है। वहीं द्वितीय स्थान पे हमारे उसी इंटरमीडिएट कॉलेज फौलदार के आयुष जुयाल रहे हैं और ब्रह्मकाल उत्तर काशी सुमन स्कूल हाई स्कूल के जो है हमारे आयुष अवस्थी रहे, इनके 98.60 इनका रिजल्ट रहा है। तो बड़ी बात यह है कि बच्चों ने कोविड के बाद भी बहुत अच्छी पढ़ाई की है। तीसरे स्थान पे हमारे मंडल सेरा बागेश्वर विवेकानंद के छात्रा जो है रवीना कोरंगा रही है, इनके 98.40% रहा है। कुल मिला के बागेश्वर जिला पूरे प्रदेश में नंबर एक पर आया है स्कूल में, जिनका परीक्षा परिणाम 87.05 है। और मुझे बड़ी खुशी यह है कि इस बार 1,27,895 बच्चे जो है सम्मिलित हुए से हाई स्कूल में और 99,091 बच्चे पास हुए हैं। तो अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद भी बच्चों ने अच्छा जो है रिजल्ट अपने दिए हैं। जहाँ तक में 1,11,688 बच्चों ने जो है परीक्षा में बैठे और 92,296 बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए।